बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून प्रचार अभियान में सबसे आगे निकल चुके हैं। राजेश के दफ्तर पर हर रोज सैकड़ों लोग आकर समर्थन दे रहे हैं। व्यापारी, सामाजिक संगठन और युवाओं की बड़ी टीम ने राजेश जून के जोरदार उनका स्वागत किया है। राजेश जून के जो है बड़ी माला और लड्डुओं से तोलकर उनका स्वागत किया गया। राजेश जून का कहना है कि बहादुरगढ़ में पोल होने वाली टोटल वोट में से 50% वोट अकेले उन्हें ही मिलेंगे। राजेश जून ने युवाओं से कहा कि बहादुरगढ़ का विधायक बनने के बाद वो 5 साल तक लोगों की सेवा करेंगे और उनके बीच में ही रहकर काम करेंगे। युवाओं को नशे से दूर रहने और खेलों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अपने सामर्थ्य से स्वरोजगार चलाने के लिए भी मदद करेंगे। राजेश जून का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून ने उनके साथ धोखा किया है और अब उस धोखे का बदला बहादुरगढ़ की जनता बुरी तरह से उन्हें हरा कर लेगी। हमारे बहादुरगढ़ हल्के के युवाओं के लिए सबसे पहले तो कोई नशे की तरफ ना जाए, खेल कूदों का बढ़ावा दूंगा और जो अपना जिस भी तरह का व्यवसाय करना चाहेगा उसको व्यवसाय में जितनी भी मेरी से मदद बन पाएगी वो मदद करूंगा। अपने हरियाणा सरकार की तरफ से जितनी भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें बहादुरगढ़ हल्के का जो भी परसेंटेज हक बनेगा 1% भी, एक नौकरी भी कम नहीं रहने दूंगा। चाहे मुझे विधानसभा में लड़ना पड़े, रोना पड़े, मैं एक वोट एक अपनी हाथी नौकरी ज्यादा लेके आऊंगा। रही हमारी बहादुरगढ़ में 2000-3000 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी अच्छी पोस्ट भी है, जिनमें लाख लाख, दो दो लाख रुपए, 50-60 हजार रुपये सैलरी भी है। वहां उन कंपनियों में मैं स्वयं जाऊंगा। जैसे कि कल भी मेरी एक हॉबी बहुत बड़ी संस्था है, हॉबी के साथ मीटिंग हुई थी, वहां पे तकरीबन 50-60 इंडस्ट्रीज मालिक थे। मैं हरी कंपनियों में जाऊंगा कि आपको जो भी सुविधा चाहिए, बिजली की, पानी की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा चाहिए आप एज एमएलए बहादुरगढ़ जून से लीजिए, लेकिन जो भी आपकी यहाँ वैकेंसी निकले कृपा करके अपने एचआर को मेरे एचआर से संबंध करवा दीजिए और पहले एक मौका हमारे बच्चों को दीजिए।